सभी साथियों को जय साल। साथियों, आज 19 जनवरी है और दिन है वीरवार। जैसा कि रोज अपने समय फसलों के भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी साथियों चर्चा करेंगे सबसे बड़ी तेजी, बहुत बड़ी तेजी रुई के अंदर चर्चा उसके ऊपर करेंगे। चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर और चर्चा करेंगे कॉटन के ऊपर। कल आपसे रूबरू नहीं हो पाया साथियों, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा साथियों। थोड़े और साथी जुड़ जाएं। विनोद जी जुड़ चुके हैं, जैक्सन विनोद जी, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो भाई शेयर करेंगे भाई, सबका नाम एक एक करके बोलता जाऊंगा। सारे साथियों से निवेदन है, एक एक शेयर के ऊपर अंगूठा जरूर टेक देना, एक एक शेयर जो है जरूर कर देना साथियों। तो थोड़े और साथी जुड़ जाएं, अभी थोड़े कम साथी जुड़े हैं साथियों, क्योंकि कल आए नहीं थे लाइव, तो उस चक्कर में शायद कुछ साथियों को ये लगता है कि आज भी शायद लाइव आए कि नहीं आए। जी गुदारा जी, आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है भाई। जो जो भाई शेयर करेंगे नाम बोल दूंगा। और सबसे पहली चर्चा करेंगे आज कपास के ऊपर। कपास यानी कि रुई 10,500 रुपए के भाव को लगभग जो है क्रॉस करती हुई नजर साथियों आज आई है। ये बड़ी खबर है रुई के साथियों के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी। हालांकि रुई जो है वो इस बार थी नहीं इतनी कम थी रुई, इस बार कोई बहुत बड़ी मात्रा में जो रुई की खेती वो नहीं हुई थी। उमेश जी आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। ढिल्लो साहब, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, जी ठीक हूं अभी, काफी ठीक है सेहत। ढिल्लो साहब आपका धन्यवाद बहुत बहुत। जी खैर, शेयर करना जीएसटी फ्री है, विनोद जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जो जो भाई शेयर करेंगे भाई, सबका नाम बोल दूंगा। खैर, तो बात करेंगे साथियों कपास के ऊपर। अच्छी तेजी, शानदार तेजी, फसल कमजोर, बहुत कमजोर थी, बहुत कम लोगों ने भी जान किया था, लेकिन कपास के अंदर जबरदस्त तेजी और आज लगभग 10,500 रुपए को क्रॉस करती कुछ मंडियों के अंदर आज कपास, देसी रुई जिसको अपने बोलते हैं, वो जो है नजर आई है साथियों। बात करें भाव की, 10,475 रुपए अनूपगढ़, 10,470 रुपए अबोर, रावला 10,370, गढ़साना 10,230, सिरसा 10,070 पूरे, गंगानगर 10,160 और गुजरात की मोरबी के अंदर 10,520 और गुजरात की एक दो मंडियों के और महाराष्ट्र के अंदर भी जो है कपास आज रुई जो है देसी रुई वो 10,500 के ऊपर बिकी है साथियों। जो जो भाई शेयर करेंगे भाई, नाम बोल दूंगा, सारे साथी एक एक बटन दबाते जाना शेयर वाला, आपसे निवेदन है। बात करेंगे साथियों सरसों की। सरसों के अंदर अब यहां से, जैसा कि मैंने परसों की वीडियो के अंदर बताया था, एक कॉम्बिनेशन बनेगा, पुरानी और नई सरसों के बीच का एक भाव निकलेगा। नई सरसों जो अभी भी कुछ एक मंडियों के अंदर 6,100 6,200 बिक रही है, जो बड़े प्लांट है उनके अंदर जो है अभी सरसों 6,900 6,700 के लगभग बिक रही है, उनके वो जो भाव हैं उनके और जो नई सरसों इनके भाव के अंदर, जीतराम मिश्र बाबू जी हमारे बड़े भाई साहब जुड़े भाई, धन्यवाद भाई साहब, तो निवन पटना भाई साहब गुरु महाराज को, तो उन दोनों भावों के बीच का एक सामंजस्य बनेगा, अभी एक बीच का एक पॉइंट निकलेगा, वो होगा नई सरसों का भाव लगभग 5,500 से लेके 6,000 के बीच का एक भाव निकलेगा नई सरसों का। इस बात में कोई भी दोराय नहीं है। केवल सिंह जी हरिगढ़, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। और बरसात कहां कहां हो रही है ये जरूर बताएं आप सारे साथी, बरसात किधर किधर कौन कौन से एरिया के अंदर हो रही है भाई। बहुत अच्छी बारिश आज, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी, लेकिन एक फसलों के लिए एक अमृत का माहौल है। आप अपने इलाके का नाम जरूर बताएं और साथ में ये बताएं कि आपके यहां पे बरसात है या नहीं है। हमारे यहां पे आज बरसात है, अच्छी बूंदाबांदी जो है फसलों के लिए हो रही है साथियों। तो बात करें साथियों सरसों की, तो सरसों के अंदर अब यहां से बहुत बड़ी तेजी। मैंने लगातार 2 महीने से बोला था कि भाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लंबी तेजी बनना। हालांकि हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि जयपुर का भाव दोबारा 7,000 जाएगा, मैंने उस टाइम डिनाई कर दिया था कि अभी 7,000 भाव जो है नहीं जा रहा है। कुलदीप जी धन्यवाद आपका, नवल किशोर जी आपका धन्यवाद,
मनीष जी आपका धन्यवाद, श्रवण जी आपका धन्यवाद, प्रेम जी आपका धन्यवाद, आप सब लोगों ने वीडियो को शेयर किया है। पूनिया जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया, जो जो वही शेयर करेंगे भाई, नाम बोलता जाऊंगा। तो बात करें साथियों सरसों की, तो अब तेजी नहीं लेकिन एक बीज का पॉइंट निकल के एक स्टेबिलिटी बनेगी। लेकिन एक चीज बता दूं कि सरसों, कुछ साथी कह रहे थे कि भाई साहब इस बार तो सरसों एमएसपी से नीचे बिकेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है। सरसों एमएसपी से ऊपर बिकनी चाहिए, ऐसा माहौल सरसों के अंदर जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा घबराहट वाली बात नहीं है, लेकिन असल में सरसों को नुकसान बहुत बड़ा हो गया है। जो कोरा पड़ा है, जो बर्फ पड़ी है, जो पाला पड़ा है, देसी भाषा में पाला बोलते हैं अपने, उस पाले ने जो है सरसों को बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसकी वजह से भाव जो है शायद हो सकता है कि आगे चल के इनके अंदर काफी बड़ा सुधार हमें देखने को मिले। विनोद कुमार जी सारण साहब ने मेरे YouTube का लिंक शेयर किया, धन्यवाद सिंह साहब, आपका भी धन्यवाद। एंड एक एनजेडबीडी से तो साथियों बात करें सरसों के भाव की आज की, तो भरतपुर 5,950, ये बड़ा प्लांट है, दादरी 6,100, रेवाड़ी 6,000, जयपुर 6,350, आदमपुर 5,920, अनूपगढ़ 5,680, रावड़ा 6,120, विजयनगर 5,337, बहुत डाउन यहां सरसों, जैसर 5,200, कर्णपुर 5,780, गंगानगर 5,932, पदमपुर 5,810, कोटा 6,200, सलोनी 6,900, ये बड़ा प्लांट है, पीलीबंगा 5,470 और सादुल शहर 5,891 रुपए आज जो है सरसों बिकी है। तो भाई एक एक शेयर का बटन धालीवाल साहब ने दबा दिया है, गुरमेल सिंह जी धालीवाल जी ने दबा दिया है, आप भी जरूर दबाएं, धन्यवाद आप सबका जो जो भाइयों ने शेयर किया है। तो बात करते हैं साथियों कॉटन की, कॉटन रुई की चर्चा पहले हो चुकी है, अब चर्चा करेंगे साथियों अपने जो है नरमे की। सुस्ती का माहौल नरमे के अंदर फिर से, आज सुबह जब बाजार शुरू हुए तो एक उम्मीद जगी कि शायद जो है एक अच्छा माहौल बनेगा कॉटन के अंदर। कुलदीप जी धन्यवाद आपका, करण बेनीवाल जी आपका भी धन्यवाद भाई, सभी साथियों को जो जो भाई शेयर कर रहे हैं और मौसम की जानकारी दे रहे हैं। आप भी अपने इलाके के मौसम की जानकारी जरूर दें। हमारे यहां पर रायसनगर और विजयनगर एरिया जो गंगानगर जिले के हैं, राजू पुनी शुक्रिया, तो यहां पर बरसात हो रही है थोड़ी थोड़ी, अमृत बरस रहा है, बरसात नहीं ये अमृत बरस रहा है, बहुत शानदार चीज है। तो कॉटन की बात करें साथियों, तो कॉटन के अंदर जो है जड़ मजबूत है अभी इस सप्ताह के लिए। पिछले सप्ताह आपको स्पष्ट बताया था कि डाउन जाएगा, ब्रेक आएगा, ब्रेक आया। इस सप्ताह आपको बताया था कि बड़ी तेजी नहीं आएगी लेकिन मंदी नहीं आएगी, सुधार हो सकता है, सुधार हुआ 100 रुपए तक का। अभी आज भी काफी बाजारों के अंदर 8,700 से ऊपर जो है कॉटन बिका है, पीलीभीमगंज भी 8,710 बिका है और एक दो मंडियों में 8,700, रावसर के इधर भाव भी 8,700 रहे। तो लेकिन तेजी नहीं है, मैं पुनः निवेदन करूंगा, मैं रोज निवेदन करता हूं, जब भी भाव 8,800 और 9,000 के बीच में मिले भाई, एक बार अपने दिमाग से, अपने विवेक से जरूर सोचना, कॉटन के अंदर बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है, पिछले साल वाली तेजी दिखाई नहीं दे रही है, इससे ज्यादा मैं कॉटन के ऊपर कुछ भी नहीं बोलूंगा। बाकी आपकी इच्छा और आपका भाग्य भाई, कितना किसको मिलना है वो भगवान जानता है। खैर बात करें कॉटन के भाव की, विजयनगर 8,735 सबसे तेज मंडी आज की, हनुमानगढ़ 8,642, पदमपुर 8,700, गंगानगर 8,600, कर्णपुर 8,441, कर्णपुर के अंदर गवार और सरसों और कॉटन तीनों लगभग पिछले 20 दिन से पूरे जिले में सबसे मंदे रहते हैं। हालांकि कर्णपुर के जो जमीन है, जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी अभी बिश्नोई जी आपका धन्यवाद, बलवान जी आपका भी धन्यवाद, और जो जिन साथियों ने शेयर किए भाई सबका धन्यवाद, एक एक शेयर का बटन और दबाते जाओ। तो बात करें भाव की, जैसर 8,614, सदुलसर 8,529, पीलीभीमगंज 8,710, सिरसा 8,470, संगरी 8,500, रावसर 8,700, आदमपुर 8,547, रावड़ा 8,610 और केसरी सिंहपुर बिका है नरमा आज 8,451 रुपए साथियों, आज जो है नरमा बिका है। कपास के भाव आपको बताने भूल गया था मैं, जो देसी रुई है 10,500 क्रॉस किए, अबोर 10,470, अनूपगढ़ 10,400, रावड़ा 10,370, गढ़साना 10,230, सिरसा 10,070 और गंगानगर
10,160 शेयर पहले भी आपको भाव बता दिए थे, माफी चाहूंगा। बात करेंगे साथियों ग्वार की, उससे पहले बात करेंगे थोड़ी सी गेहूं की। नए गेहूं का बड़ा बवाल मचा हुआ है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, नए गेहूं का रेट जो है 5,000 हो जाएगा, 4,000, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी दिखाई, ना तो पिछले साल दी थी, ना तो उससे पिछले साल दी थी, और ना तो अगले साल देगी, ये बात बिल्कुल तय है। गेहूं एक ऐसी कम्योडिटी है, मैंने पहले भी हजारों बार बोला है किसान भाइयों, मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला है, गेहूं एक ऐसी कम्योडिटी है, एक ऐसी फसल है जिसका स्टॉक सरकार के पास 4-4, 5-5 साल का पड़ा होता है, फॉर द एनी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कल कोई युद्ध लग जाए, कल कोई आपातकालीन स्थिति बढ़ जाए देश के अंदर, तो गेहूं के अंदर तेजी आना बमुश्किल होता है। बहुत जल्दी गेहूं के अंदर तेजी जो है नहीं आती है, इस चीज को आपको गौर रखना पड़ेगा। बिजाई ज्यादा हुई है पिछले साल से, इस बात में कोई दोराई नहीं है, गेहूं की बिजाई ज्यादा है। जौ के बारे में एक साथी ऊपर पूछ रहे थे, जौ के अंदर भी तेजी नहीं है भाई, अभी कोई तेजी नहीं है जौ के अंदर, कोई बड़ी तेजी जौ के अंदर नहीं है। इस सीजन और अगले सीजन भी भाव पिछले साल वाले नहीं रहेंगे, इस बात में कोई भी दोराई नहीं है, लिख लो भाई। जीरे के अंदर नहीं तेजी, यहां से कोई बहुत बड़ी तेजी जीरे के अंदर दिखाई नहीं दे रही, एक साथी ऊपर पूछ रहे थे। बात करें साथियों ग्वार की, ग्वार के अंदर जो तेजी बननी चाहिए थी इस सप्ताह वो तेजी नहीं बनी। हालांकि ग्वार महेंद्र गुदारा जी पूछ रहे हैं 39 लेब की सरसों क्या भाव होनी चाहिए। महेंद्र जी ऐसा नहीं होता, सरसों नहीं है कि पुरानी है, कैसी है, वो बात की बात, और आपकी मंडी कौन सी है, वो अलग चीजें हैं। हालांकि ये मापदंड एक होना चाहिए सभी मंडियों के अंदर, लेकिन यहाँ फर्क रहता है, इस चीज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं भाई, जरूर जीतेंगे उम्मीद है। इस बार तो सरसों का सीजन आएगा तो भाई सारे साथी कोशिश करेंगे, आप भी सारे साथी जो है कोशिश जरूर करना साथियों। तो बात करें साथियों ग्वार की, ग्वार में जो तेजी बननी चाहिए थी वो तेजी ग्वार के अंदर नहीं बनी इस बार। कारण साफ था, कारण ये था कि बिकवाल आ गए, 6,000 से ऊपर भाव, 6,200 से भाव ऊपर जाते ही बिकवाल आने थे। बड़े मगरमच्छ जो हैं, जिन्होंने 4200 रुपए सरसों खरीदी है, 4500 खरीदी है, उन्होंने बेचान करना था, इस बात में कोई भी दोराई नहीं थी। और ये बात मैंने रविवार को स्पष्ट बोली थी, जब भी 6,000 से 6500 की ओर भाव जाएंगे बड़े मगरमच्छ कूद पड़ेंगे, एकदम से ग्वार निकल के सामने आए, और वही हुआ, तेजी नहीं बनी। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह कि ग्वार के अंदर मंदी नहीं है, बिकवाली के बाद भी जो है मंदी अभी दिखाई जो है नहीं दे रही है। हालांकि बहुत बड़े लेवल की बिकवाली नहीं है, लेकिन फिर भी एक बिकवाली के अंदर एक स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है, एक एक लाइन के अंदर चल रही है बिकवाली। ये नहीं कि आज 30,000 बोरी होगी, कल को 60,000 बोरी होगी, परसों 20,000 बोरी होगी, ऐसा नहीं है, एक स्टेबिलिटी चल रही है बिकवाली के अंदर। तो फिर भी ग्वार की जड़ मजबूत, इस टाइम की सबसे मजबूत कम्युनिटी जो है वो है ग्वार की, इससे मजबूत कोई भी चीज इस टाइम फसलों में नहीं है, इस बात में कोई भी दोराय नहीं है। नरमे के बारे में साथी पूछ रहे हैं, बिश्नोई जी आपको बता दूं कि ऊपर चर्चा कर ली है, अपने मून साहब ऊपर चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी अगर आपको दोबारा देखना हो तो आप YouTube चैनल किसान राजा हेयर 9 बजे के बाद सर्च मारना, वहां आपको लाइव वीडियो जो है मिल जाएगी। YouTube के ऊपर किसान राजा हेयर आप हिंदी में सर्च करें, विनोद जी ने लिंक भी शेयर कर दिया है। बात करें ग्वार के भाव की, 5,950 पदमपुर, गंगानगर 6,060, करणपुर 5,850, जैसर 5,850, विजयनगर 5,337, यहां भाव काफी डाउन रहा आज। पीलीबंगा 5,951, रावड़ा 6,051 और सादूल शहर 5,930 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। तो पुनः आप सबसे निवेदन साथियों, एक तो शेयर का बटन एक एक भाई जरूर सारे साथी दबा दिए करो, क्योंकि ये वीडियो अपना सिर्फ गांव वाले भाइयों के लिए है, शहर वालों के लिए वो जो ठुमके वाले नाच और वो सब अपने पास सिस्टम नहीं है भाई, नहीं कभी आपको ये बोला कि स्टार भेजो वो करो, कुछ नहीं है, अपनी आवाज और साथियों तक पहुंचे, क्योंकि अपनी लड़ाई सिर्फ एक भाव की नहीं है, अपनी लड़ाई और बहुत लंबी चौड़ी है। तो कोशिश करें कि इस पेज को ग्रो करके किसानों की जो है आवाज अपने उठाते रहे साथियों। तो पुनः निवेदन, एक एक शेयर का बटन भाई सारे साथी जरूर दबा देना, और 9 बजे कोई साथी यहां वीडियो मिस कर जाए तो 9 बजे अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर हिंदी में सर्च करके वहां मिल जाएगा, वहां जुड़ना। कल सुबह यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे साथियों 11 बजे, कल शाम को यहां मिलेंगे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।